नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम आपके लिए देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले लेकर आए हैं। आज की खबरों में आप जानेंगे कि विश्वविद्यालय किस अंतिम तिथि तक परीक्षाएं करा सकेंगे। इसके अलावा पिछले 27 दिनों के बाद आए किस राज्य में पाया गया सबसे कम कोरोना संक्रमण के मामले। इसी के साथ आप जानेंगे कि किस तरह से की जाएगी घर घर में बुजुर्गों की जरूरत की पहचान। वहीं आज की सबसे बड़ी खबर में आप जानेंगे कि कैसे पा सकते हैं आप 60,000 तक का वेतन पाने का सुनहरा मौका। हर खबर को बड़ी बारीकी से जानेंगे, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों को शुरू करने से पहले जान लेते हैं, देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 6,74,013 हो चुकी है। वहीं 2,53,787 लोगों का इलाज चल रहा है। इसके अलावा 19,693 लोग इस संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। और जैसे जैसे मैं आपको संक्रमित हुए लोगों की संख्या बता रही हूँ, वैसे वैसे संक्रमण से और लोग भी संक्रमित हो रहे हैं, जो वाकई एक चिंता करने का विषय बन चुकी है। तो चलिए आज की बड़ी खबरों को शुरू करते हैं। 30 दिसंबर तक परीक्षाएं करा सकेंगे विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय और कॉलेज अटकी पड़ी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 दिसंबर तक करा सकेंगे। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद UGC ने सोमवार देर रात तक परीक्षाओं को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी की है, जिसमें जुलाई में परीक्षाओं को कराने जैसे अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य बताते हुए इन्हें सितम्बर के अंत तक कराने की अनुमति दी गयी है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से कराई जा सकेगी। UGC ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों को छूट भी दी है। इन परीक्षाओं की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए 30 सितंबर तक कभी भी करा सकते हैं। UGC ने इससे पहले 29 अप्रैल को जारी गाइडलाइंस में सभी कॉलेजों से 1 से 15 जुलाई के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने को कहा था, जबकि पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं कराने के लिए 15 से 30 जुलाई तक का समय तय किया गया था। इस बीच कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों और विश्वविद्यालयों ने मौजूदा परिस्थितियों में परीक्षाएं कराने से हाथ खड़े कर दिए हैं। इसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने UGC से परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइंस की नए सिरे से समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। UGC ने इसके बाद हरियाणा केंद्रीय में कुलपति अगुवाई के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी। इसकी रिपोर्ट आने के बाद UGC ने ये फैसला लिया है। दिल्ली में घटा संक्रमण, एक दिन में सिर्फ 1,379 केस। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद अब दिल्ली के भी कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,00,000 के पार पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात ये है कि लंबे समय के बाद आए मामले 1,500 से भी कम है। सोमवार को 1,389 नए मामले आए, जो पिछले 27 दिनों में से सबसे कम है, जिसके चलते कोरोना संक्रमण मरीजों की बढ़ती संख्या में काफी गिरावट देखी जा रही है, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 749 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 48 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 1,08,023 हो गए हैं। महाराष्ट्र में 3,00,000 से ज्यादा व तमिलनाडु में 1,11,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन दिल्ली देश का पहला महानगर है जहाँ कोरोना के कुल मामले 1,00,000 से अधिक हो गए हैं। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 3,115 हो गई है। मौजूदा समय में कोरोना के 25,620 सक्रिय केस हैं, इनमें 5,250 मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं कोविड हेल्थ सेंटर में 136 व कोविड केयर सेंटर में 1,714 मरीज भर्ती हैं। इसके अलावा 17,141 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि आगे की वीडियो में आप जानेंगे कि किस क्षेत्र में निकली है बंपर भर्तियां और आप पा सकते हैं 60,000 तक का भारी वेतन। अगर आप भी हैं 10वीं पास तो यहां निकली है बंपर भर्तियां, नहीं देना होगा कोई एग्जाम। अगर आपने 10वीं पास की है और सरकारी नौकरी करने का सपना देख रही हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड में भारी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की मांग है और आवेदन प्रक्रिया जारी है। बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई 2020 थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते इसे बढ़ाकर 18 जून 2020 कर दिया गया था, जहां कुल 22 उच्च अधिकारियों के पदों पर भर्तियां मांगी गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट www.nmdc.co.in पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं और पा सकते हैं 60,000 का बड़ा वेतन। उम्मीदवार की आयु कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। वही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में नियम अनुसार छूट दी जाएगी। सामान्य और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को ₹150, वही महिलाओं और SC ST के उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो अगर आप भी 10वीं पास है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। हर घर होगी बुजुर्गों की जरूरत की पहचान।
बुजुर्गों को कोरोना संक्रमण से ज्यादा खतरे को देखते हुए पिछले कई महीनों से ठप पड़ी वायुश्री योजना को 1 अगस्त से फिर से शुरू करने की तैयारी है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से इनमें कई बदलाव भी किए गए हैं। इसके तहत इससे जुड़े कैंपों का आयोजन अब ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। ज्यादा बुजुर्गों या फिर बीमार बुजुर्गों की जरूरत की पहचान घर घर जाकर की जाएगी। अब तक ये कैंप जिला स्तर पर या कई जिलों को मिलाकर आयोजित होते थे। कोरोना संक्रमण से बुजुर्गों को बचाने और उन्हें मिलने वाली मदद सुरक्षित तरीके से जारी रखने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एक विस्तृत गाइडलाइन तैयार की है। माना जा रहा है कि ये गाइडलाइन इस हफ्ते के अंत तक जारी हो जाएगी। मंत्रालय ने सभी राज्यों से कैंपों के लिए ब्लॉक स्तर पर योजना बनाने के लिए कहा है, साथ ही जल्द से जल्द इसका ब्यौरा भी देने को कहा है। फिलहाल ऐसे ब्लॉकों को ही योजना में शामिल करने का सुझाव दिया है जहां कोरोना के एक भी मामले की रिपोर्ट नहीं है, यानी जो क्षेत्र पूरी तरह से ग्रीन जोन में है। योजना से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इस पूरे काम में स्वयंसेवी संगठनों की भी मदद ली जाएगी, जो गांव-गांव से ऐसे जरूरतमंदों की पहचान करेंगे जिन्हें इस योजना के तहत मदद दी जा सकती है। इस योजना के तहत बुजुर्गों को उनकी जरूरत से जुड़ी सामग्रियां प्रदान की जाती हैं, जिसमें छड़ी, चश्मा, वॉकर, नकली दांत और सुनने का यंत्र आदि उपकरण शामिल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मंत्रालय द्वारा जारी कैंपों की ये सुविधा बुजुर्गों की जरूरतमंद चीजों को पूरा करने में कामयाब साबित होगी या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।